आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, डीएनए एक बहुत लंबा बहुलक होता है और डीएनए के बहुत लंबे खंडों के अनुक्रम में तकनीकी सीमा होती है, किसका उपयोग करके डीएनए के लंबे खंडों का अनुक्रम किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डीएनए अनुक्रम है क्या, इसे कहते हैं स्टूडेंट डीएनए अनुक्रमण। अब यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी जीव के डीएनए के अंदर उपस्थित क्षार अनुक्रम का पता लगाया जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, कोई जीव है और जीव की कोशिका ली जाती है, कायिक कोशिका ली जाती है। स्टूडेंट कायिक कोशिका लेकर क्या किया जाता है, उसका डीएनए विलगित करके डीएनए का पृथक्करण किया जाता है। स्टूडेंट तो लिख लेते हैं डीएनए का पृथक्करण, और डीएनए का पृथक्करण करने के बाद स्टूडेंट क्या किया जाता है, डीएनए का जो उसके अंदर जो क्षार अनुक्रम है स्टूडेंट उसका पता लगाया जाता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूं नाइट्रोजनी क्षारों का जो अनुक्रम है स्टूडेंट, नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम, क्षार का अनुक्रम पता लगाया जाता है, क्षार का अनुक्रम पता लगाया जाता है स्टूडेंट, पता लगाना या पता लगाया जाता है, यही कहलाता है स्टूडेंट डीएनए का अनुक्रमण, या इसे स्टूडेंट क्या कहा जाता है, डीएनए सीक्वेंसिंग भी कहते हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट डीएनए सीक्वेंसिंग या डीएनए का अनुक्रम पता लगाने के लिए, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षारों का अनुक्रम पता लगाने के लिए क्या करना होगा, कोशिका में से डीएनए को पृथक करना होगा। तो स्टूडेंट डीएनए तो बहुत लंबा सा बहुलक है, तो क्या किया जाता है, इसका जो क्या किया जाता है, इसके खंडीकरण या हम कह सकते हैं खंड बना लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट इसे क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या फिर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इसका खंडन किया जाता है। खंडन से क्या होगा स्टूडेंट, डीएनए के खंड बन जाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम डीएनए खंड बन जाएंगे अलग अलग, और इन डीएनए खंडों का को कर क्या कर लिया जाता है स्टूडेंट, एक व्यवस्था के अंदर व्यवस्थित कर लिया जाता है, और फिर फ्रेडरिक सेंगर की मशीन है स्टूडेंट जिसका उपयोग किया जाता है नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम पता लगाने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा डीएनए बहुत लंबा सा है, इसका एक साथ स्टूडेंट अनुक्रमण नहीं किया जा सकता, इसीलिए डीएनए खंड बनाए जाते हैं। अब डीएनए खंड बना लिए फिर भी स्टूडेंट क्या होता है, इन ये जो डीएनए खंड है अत्यधिक लंबे होते हैं। अब देखिए यदि डीएनए खंड क्या हुआ कि अनुक्रमण के दौरान डीएनए खंड जो है ये कम पड़ गए, या फिर क्या हुआ डीएनए खंड जो है ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तकनीकी खराबी की वजह से डीएनए खंड जो है इनका क्या हो गया, हास हो गया। अब दोबारा सारी की सारी जो क्या करनी पड़ेगी स्टूडेंट, दोबारा जीव की कोशिका लेनी पड़ेगी और उसमें से डीएनए का पृथक्करण करना पड़ेगा, फिर खंडन करना पड़ेगा। अब कौन से खंड जो क्या हुए हैं स्टूडेंट, जिनका लॉस हुआ है या हास हुआ है, कौन से खंड हैं, तो सारी की सारी जो प्रक्रिया है स्टूडेंट फिर से दोहरानी पड़ेगी। अब क्या किया जाता है, इन डीएनए खंडों का स्टूडेंट प्रवर्धन किया जाता है, इन्हें सीधा ही उपयोग नहीं किया जाता, इनका किया जाता है स्टूडेंट प्रवर्धन। प्रवर्धन अर्थात इनकी संख्या बढ़ाई जाती है, इनकी प्रतिलिपियां बनाई जाती है स्टूडेंट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कृत्रिम प्रतिलिपिकरण किया जाता है स्टूडेंट, कृत्रिम प्रतिलिपिकरण। और स्टूडेंट ये कैसे किया जाता है, ये किया जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से। अब सूक्ष्म जीव कौन से लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं स्टूडेंट, ज्यादातर ये होते हैं जीवाणु और स्टूडेंट ये होता है यीस्ट, ये दो होते हैं परपोषी। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ये हमारे डीएनए के खंड जो है स्टूडेंट क्या कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं इन दो जीवों के अंदर, जिससे कि क्या होता है इनकी बहुत सारी प्रतिलिपियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो स्टूडेंट हमारे डीएनए खंडों को इन तक ले जाने वाला कौन सा संवाहक होगा, अब देखिए जीवाणु कोशिका में हमारे डीएनए को ले जाने वाला कौन होता है, ये होता है स्टूडेंट मुख्य रूप से बीएसी, बीएसी अर्थात जीवाणवीय कृत्रिम गुणसूत्र को लिख देते हैं, जीवाणवीय कृत्रिम गुणसूत्र होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये क्या है, कृत्रिम गुणसूत्र है और जीवाणु के मुख्य जीनोम जैसा ही है, इसके साथ हम क्या करते हैं हमारा एक बड़ा सा डीएनए खंड जोड़ देते हैं और जीवाणु कोशिका में प्रवेश करवा देते हैं, जीवाणु कोशिका में यह प्रतिलिपियां बनाएगा अच्छे से और हमें हमारी बहुत सारी डीएनए खंड की प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाएंगी।
और यदि यीस्ट की बात करें स्टूडेंट, यीस्ट जो है इसके लिए कौन सा संवाहक होता है? इसके लिए संवाहक ये स्टूडेंट क्या है, ये बीएसी जो है ये वाहक या संवाहक का कार्य करता है, जो कि हमारे डीएनए खंड को परपोषी कोशिका तक पहुंचाएगा, के अंदर पहुंचाता है। अब यीस्ट के लिए ये संवाहक कौन सा है? यीस्ट के लिए होता है स्टूडेंट्स, ये संवाहक यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, जिसे यैक कहा जाता है या वाईएसी कह देते हैं। तो लिख लेते हैं यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट इसे कहा जाता है वाईएसी। तो स्टूडेंट ये दो हैं संवाहक जिनका उपयोग करते हुए डीएनए खंडों की बहुत सारी प्रतिलिपियां जो है तैयार की जाती हैं। तो ये है प्रवर्धन या प्रतिलिपिकरण, जिसके द्वारा डीएनए खंडों की बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार कर ली जाएंगी, जिससे कि यदि बीच में तकनीकी खराबी के कारण या अन्य किसी कारण डीएनए खंडों का ह्रास होता है, तो डीएनए अनुक्रमण जो है वो लगातार चलता रहेगा। ये पूरी प्रक्रिया दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके द्वारा सैंपलिंग बढ़ाई जाती है, अर्थात डीएनए खंड के जो सैंपल हैं उनकी मात्रा बढ़ाई जाती है स्टूडेंट्स। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए दिया हुआ स्टूडेंट फेज संवाहक। फेज संवाहक जो है स्टूडेंट ये क्या होता है, यह भी स्टूडेंट क्या करेगा कि वांछित जीन या वांछित डीएनए को क्या कर सकता है, यह स्टूडेंट जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर सकता है। तो यहां हम लिख देते हैं जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर सकता है, परंतु स्टूडेंट इसकी भी सीमाएं हैं अपनी, कि क्या करता है कि इसके साथ ज्यादा लंबे डीएनए को, ज्यादा अणुभार वाले डीएनए को स्टूडेंट इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसकी सीमाओं के कारण इसे उपयोग नहीं किया जाता स्टूडेंट, तो हमारा ये ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ स्टूडेंट बीएसी, तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, जीवाणु कोशिका के लिए, जब परपोषी कोशिका हमारे पास जीवाणु है तब संवाहक के रूप में स्टूडेंट बीएसी का उपयोग किया जाता है, अर्थात जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र का, ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी है स्टूडेंट वाईएसी, ये भी बिल्कुल सही है स्टूडेंट, जब यीस्ट कोशिका परपोषी कोशिका के रूप में हमारे पास, तो इसका उपयोग किया जाता है, वाईएसी का उपयोग जो है किया जाता है संवाहक के रूप में। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। बी और सी दोनों ही सही है स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी में देख लेते हैं, ऑप्शन डी में दोनों ही दिए हुए हैं, बी और सी दोनों सही है, तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, बी ऑप्शन हमारा सही होगा और बाकी जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि बी और सी जो है इनको शामिल कर लिया गया है डी ऑप्शन के अंदर, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।